नमस्कार मुझ सत्यम स्वाई समस्तु स्वागत करुच्ची मो चेल्क जार नाम हूँ साहित्य सिंधु एसपीएस ट्यूटोरियल तो आज आम फर्स्ट थ्री ओडिया अनर्स फोर्थ सेमिस्टर पेपर नाइन रे जो रही आम यूनिट वन जहाँकि रस और ध्वनि अलरेडी मु रसर जो निष्पत्ति किपरी हुए ता अलरेडी आलोचना करी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो आज आम से रस और ध्वनि यूनिट वन रे देखा रसर प्रकार भेद स्वरूप तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती है चैनल को लाइक सेयार सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ वीडियो ता सहित मु पेपर टेन समस्त विषय आलोचना करी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पिलामाने देखिना देखिदेवे तो आज पेपर नाइन यूनिट वन रसर प्रकार भेद आलोचना करवा तो चलते आरंभ कर विषयटी रसर प्रकार भेद दर्शाई तार स्वरूप उपरे आलोकपात कर तो आलंकारिक माने साहित्य रे व्यवहूत रस को मुख्यतः नौ भाग रे विभक्त करिछंति केही केही आलंकारिक संज्ञा आठ और दस होइतबा मध्य मतपोषण करुछि न वात्सल्य जो रही रस ताकू आड कले दस हम कि न प्रकार बोली मत रही रसर प्रकार भेद संपर्क में भरत मुनि नाट्यशास्त्र उल्लेख करिछंति श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत इतष्टे रसाहा शांत तथा मत अर्थात श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत आदि आठटी रस संपर्क में भरपूर्ण उल्लेख कर शांत रस संपर्क में से नीरव रही से कहते आठ प्रकार श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत किंतु शांत रस संपर्क में मत प्रकाश करना किए भरत मुनि शब्द अलंकार रे आचार्य दंडी रस को बाघरस वस्तुरस भाव में दुई भाग विभूत करुद्रट ये रहा विभिन्न आलंकारिक मान मत रुद्रट काव्य अलंकार नवरस सहित प्रोन नामक रस संजोग कर सरस्वती कंठावरणम ग्रंथरे भोज प्रयाण रस सहित उदार उद्धत नामक आउ दुटी रस संजोग कर दुई रसर स्थायी भाव रूपे यह यथक्रमे मती और गर्व को ग्रहण कर साहित्य दर्पण ग्रंथरे विश्वनाथ कविराज वत्सल नामक अनेक नूतन रसर संजोग कर रूप गोस्वामी चरित उत्कल नीलमणि और मधुसूदन सरस्वती रचित भागवत ग्रंथरे भक्तिरस नामक आउ एक रस संपर्क में कहुई मानने यही विभिन्न आलंकारिक मान मत भिन्न भिन्न अलग अलग रस को से आड कर नौ प्रकार रस बोली आम मानवा जी वात्सल्य रस को मिस दस हम तो आद्रता और गंध नामक दुईट स्थायी भाव संजोगर स्नेह और वात्सल्य रस सृष्टि हुए बोली अभिनव गुप्त मतपोषण कर अलंकार सार संग्रह ग्रंथरे भट्ट प्रत्येक भाव रस परिपक्व क्षमता उपरे प्राधान्य आनंद रति इत्यादि स्थायी भाव को आदर कर ब्राह्म्य संभोग और विप्रलम्ब इत्यादि रस सृष्टि होगा कथा संगीत सुधाकर ग्रंथरे उल्लेख अच्छी यह व्यतीत पंडित राज जगन्नाथ रचित रस गंगाधर ग्रंथर नवरस प्रसंगे आलोचना करते अते अधिकांश आलंकारिक साहित्य रे नवरसर भूमिका को स्वीकृत करथिबार जणा जाय माने अधिका आलंकारिक माने अधिकांश नवरस बोली कहिछन अर्थात नौ प्रकार रस निम्न नवरसर स्वरूप संपर्क आलोचना कराई आम तापर देखा गोटे रस देखा कौन रही क्या कौ रस कहुए आम देखा तो प्रथम आमर श्रेष्ठ रस जे कि श्रृंगार रस अलंकार शास्त्र में श्रृंगार रस को आदि रस बा मुख्य रसर मान्यता प्रदान कराई रति यार स्थायी भाव जो मैंने रस निष्पत्ति पूर्व भिडियो देखिना देखिदेवे जापर अनुभव विभाव स्थायी भाव कौन तो ताकि बुझी ना थे ये बुझीपरि ना तो रति हूँ स्थायी भाव श्रृंगार उत्तेजक विविध अवस्था हूँ उद्दीपन विभाव यार अनुभव हूँ चुंबन और आलिंगन यार संचारी भाव रूपे लज्जा हर्ष आदि को ग्रहण कराए विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण ग्रंथरे श्रृंगार रसर स्वरूप निम्न मत दर्शाई श्रृंग ही मनमोथा भेद तदा गमन हेतुक उत्तम प्रकृति परस श्रृंगार ईष्यते श्रृंगार रसर अधिपति देवता हूँ विष्णु को ग्रहण करण श्याम बा श्याम वर्ण बोली विवेचना कराए श्रृंगार रस मध्य विविध पर्यायभुक्त विप्रलम्ब और संभोग यही रूपे दुई श्रेणी विभक्त नायक नायिकार मिलन में संभोग श्रृंगार विरह विप्रलम्ब श्रृंगार उन्मेष संभव होता है श्रृंगार रस विचार आलोचन संभोग श्रृंगार गुरुत्व अधिक
ସଂସ୍କୃତରେ ଉକ୍ତି ଅଛି ନା ବିନା ବିପ୍ରଲମ୍ବେନ ଶୃଙ୍ଗାର ପୃଷ୍ଠ ମଣ୍ଡତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ପୂର୍ବରାଗ ମାନ ପ୍ରବାସ କରୁଣ ଏଇଭଳି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନାୟକ ନାୟିକା ମିଳନରେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ସ୍ମରଣ ଦଶ ଦଶା ଭାବରେ ଅଭିଳାଷ ଚିନ୍ତା ସ୍ମୃତି ଗୁଣବର୍ଣ୍ଣନ ଉଦ୍ବେଗ ସଣାପ ଉନ୍ମାଦ ବ୍ୟାଧି ଜଡ଼ତା ମୃତ୍ୟୁ ଆଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭରତମୁନି ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ତିନି ଭାବରେ ବିହୃତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କହିଲେ ନାୟକ ନାୟିକା ଦେଖା ହେବା କଥା ହେବା ହାସ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ ଲଜ୍ଜା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେମିତି ସବୁ ଅଳଙ୍କାରମାନ ପରିଧାନ କରି ଶୃଙ୍ଗାର କରିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେହିଭଳି ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରାଯାଏ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ତିନି ଭାରେ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର କାମ ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାମ ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ବୈଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ଶୃଙ୍ଗାରର ବି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କାମ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର। ମଣିଷର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ଶୃଙ୍ଗାରିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଥାଏ। କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହାସ୍ୟରସ। ହାସ୍ୟରସ କ'ଣ ନା ହାସ୍ୟରସର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତିରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ବା କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ହସିବା ତାହା ହାସ୍ୟରସ ହୁଏ। ହାସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହସିବା। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶିବଗଣ ହାସ୍ୟରସର ଅଧିଦେବତା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବେ କେଉଁ ରସର ଅଧିଦେବତା କିଏ। ଆମର ଏମିତି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସେମିତି ଆମର ହାସ୍ୟରସର ଅଧିଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଗଣ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧବଳ। କଥା ତଥା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ବିକୃତ ଭାବ ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଯାହା କିଛି କଲେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କଲେ ବିକୃତ ମୁହଁ କଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ହସୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଚକ୍ଷୁ ତଥା ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ଆଦିର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ହାସ୍ୟରସର ଅନୁଭବ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ସାହିତ୍ୟ ରସର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାଇ କହେ ବିକୃତାକାର ବାଗ୍ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ଦେ କୁହଜାତ ଭବତ୍ ବାସହାସ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶ୍ୱେତଃ ପ୍ରଥମତ୍ୟ ତୈବେତଃ। ହାସ୍ୟରସକୁ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ହସ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଯେମିତିକି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ହସିବା, ହସିତ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ବିହସିତ, ଅବହସିତ, ମୃଦୁ ପରିଣତି ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଅଳ୍ପ ହସିବା, ବହୁତ ହସିବା। ପଙ୍କ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୁହାଯାଏ ହସିତ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ବୋଲି କହୁ। ମାନେ ଦାନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବାନି, ଟିକିଏ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ପଙ୍କ୍ତି କହିଲେ ଆମର ଗାଲ ଟିକିଏ ବିକଶିତ ହେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ହସିତ। ଏତଦୃଶ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହସ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମଧୁର ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ହାସ୍ୟକୁ ବିହସିତ କୁହାଯାଏ, ମଧୁର ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ ହାସ୍ୟକୁ। ହାସ୍ୟ କଳାରେ ଯଦି ମସ୍ତକ ଆଦିର ସଞ୍ଚଳନ ଘଟିଥାଏ ତେବେ ତାହା ଅବହସିତ। ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମନେ ରଖିବାକୁ, ଏତେ ବିଶ୍ଲେଷଣ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ନକଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ହାସ୍ୟରସ କାହାକୁ ଯେ ତା'ର ଅଧିଦେବତା ଆଲମ୍ବନ ବିବାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିବାହ ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ବିହସିତ ଅବହାସିତ ପରି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହସ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକୃତିର ପୁରୁଷଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ହସିଲେ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ମାନେ ଆମେ ଏତେ ହସିବା ଯେ କାନ୍ଦିବା, ତେବେ ତାହା ଅତି ହସିତ, ମାନେ ଆମେ ଅଧିକା ହସିଦେଲେ, ଅତି ହସିବା ମାନେ ଏମିତି ହସିଲେ ଯେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏତେ ଦୋଷ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାସ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ। ହାସ୍ୟରସର ବିପୁଳ ଅବତାରଣା ଘଟିଛି କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ। ଯେମିତି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯଦୁପୁଣି ମହାପାତ୍ର, କୁଞ୍ଜବନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ହେବେ ଗୋସାଇ, ରଥ ବୋଲି ଭଣ୍ଡି ନେବେ ଶଗଡ଼େ ବସାଇ, ଭୋଗ ବୋଲି ଖଞ୍ଜି ଦେବେ ଖଡ଼ିକିଆ ମୁଆଁ, ଧୂପ ବୋଲି ଗେଞ୍ଜି ଦେବେ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟ ଧୂଆଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କରୁଣ ରସ। କରୁଣ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ, ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କରୁଣ ରସ।
मनुष मनरे जो घटना भयावह दुख जंत्रणा दिए और तहरु जो सृष्टि हुए ता करुण रसधर्मी होता है। दुखावह घटना करुण रसर सृष्टि होता है। विशिष्ट आलंकारिक विश्वनाथ कविराज रचित साहित्य दर्पण में लिखिं इष्ट नाशादि निष्ट्रपेहे करुणा खो भवेत धीरे कपोत कनेय कथित जम दैवत देवता हूँ किए जानवे किए जमी आम श्रृंगार रसर होती विष्णु हास्य रसर होती शिवगण सेमती आम करुण रसर देवता हूँ जम नष्ट नाश आपणार आत्मीय मानकर दुख मृत्यु किंवा एतदोष विफलता आम कौन पर दुख लगे ये सब कारण कौन जिनस नष्ट कि आत्मीय सज्जन मानक मृत्यु कि कौन थे कौन कार्य विफल है आमको दुख लगे तथा अनुशोचना जंत्रणा ता करुण रस भाव में अभिहित कराए। शोक हूँ करुण रसर स्थायी भाव जो व्यक्ति शोक कराए से व्यक्ति हमें आलम्बन विभाव मैंने सृष्टि कर यही रसर व्यभिचारी विभव भाव परिणत हूँ कांदीबा आघात पाइबा विधाता आदर्श को निंदा आदि कार्यगुड़िक जम हूँ देवता अधिदेवतार यार बन हूँ कपोत बन पाउसिया राधामोहन गड़नायक बीराराणी सुकदे कवितर करुण रसर उदाहरण उदाहरण निपे जमीक चुंबन लेखि दयानिधि भाले आखि जले राणी पड़िले ढली शोकर आदेश धईले जे सेज से हीपरी आहा रहिले पड़ी। नेक्स्ट आम देखा रौद्र रस जोड़ा रागवा कह जाए तो मनीष मनरे क्रोध सृष्टि जो मानसिक प्रतिज्ञा देखा जाए ताकू आधार कर प्रकाश पाए रौद्र रस कौनसी शत्रु ठारे अपमान किंवा निंदा आदि लाभ कले मन क्रोधित हुए फिर रौद्र रस निष्पन्न घटे। साहित्य दर्पण में रौद्र रसर स्वरूप सम्बन्ध कहुई रौद्र क्रोध स्थायी भाव रक्त रुद्राधि देवत रुद्र हूँ यार देवता जहाँकि शिवंर रौद्र रूप जो रुद्र कहती सी हूँ अधिदेवता क्रोध हूँ रौद्र भाव स्थायी भाव क्रोध क्रोध से आखि लाल होगा मुहर रागर चिह्न प्रकाशित होगा शत्रुपक्ष प्रतिस्पर्धी आचरण करवा आदि रौद्र रसर उद्दीपन विभाव जी उद्भावन करे जाग्रत करे जो आम रौद्र रस रागि जाए जहाँ को देखिए आम जहाँ को देखिक आम रागि जाऊ जो व्यक्ति क्रोध उद्दिष्ट से व्यक्ति को आलम्बन विभाव रूप धरा जाए उद्वेग निष्ठुरता मानसिक चंचलता आदि अनुभव उग्रता रौद्र रसर संचारी भाव रुद्र रस रुद्र हूँ ये रसर अधिदेवता रक्तवर्ण मान लाल डेंजर जोड़ा रक्तवर्ण हूँ रौद्र रसर वर्ण रसवर्ण राधामोहन गड़नायक उदाम सिंह कविता हूँ रौद्र रसर उदाहरण। नेक्स्ट देखा वीर रस जहाँकि आम वीर दर्पण एमती युद्ध करा जाते सैनिक मैंने वीर से वीर रस नवरस एक प्रमुख रस रूप वीर रस को ग्रहण कराए मनुष्य केतक घटना उत्साहित हुए पूरा साहस साहसी मनुष्य टे जहाँ कहते वीर भाव से कार्य करे यही उत्साहता मनरे वीरत्वर प्रभाव प्रकाश करे फल वीर रसर सृष्टि हुए वीर रसर स्थायी भाव हूँ उत्साह। साहित्य दर्पण रे यार स्वरूप संक्रांत वर्णना अच्छी उत्तम प्रकृति वीर उत्साह स्थायी भाव कह महेन्द्र दैवत्य हेम बनयम सुमादा हुते उत्तम स्वभाव व्यक्ति वीर रस प्रकाश पाए कौन सी पराजय हमें सी पूरा वीरत्वर सह लड़े करती पराजय वरण करती हूँ वीर रसर आलम्बन विवाह मानने जी पराजय होती आठ जीति जी वीर मैंने पराजय वरण कर कार्यकलाप आदि हूँ उद्दीपन विवाह उद्बोधन रोमांच आदि वीर रसर अनुभव धैर्य गर्व अनुसया यार संचारी भाव रूपे विदित इंद्र हूँ वीर रसर अधिदेवता किए इंद्र यार वर्ण स्वर्णपरी उज्जवल इंद्र जेहतु देवता स्वर्णपरी उज्जवल ही वर्ण होती वीर रसर एक उदाहरण निम्नोक्त दिगला कौन छंदे छंदे सुप्त अनवत रुद्र क्षुद्र शूद्र सुमहत विद्रोही रणजयी पागल हे उठ नवजुग मंत्र आदि उन्नत कंपित आहनए चिरशृंखल संकित पथ नचाए ध्वंस विभामय उच्छासे उठ नवजुग नवमंत्र गोदावरी महापात्र छंदे छंदे। नेक्स्ट देखिए आम कौन भयानक रस यदि आम गोटे भयानक दृश्य देखिले हुए ना आम डरी जाऊ जहाँ देखी भयानक कौन सी भयानक जिनस
तो मनुष्य यदि कौनसी भयपूर्व दृश्य देखि मन में भय भीत लाभ करे भयजात हुए भयानक रस उद्रेक हुए। विश्वनाथ कबीरजी साहित्य दर्पण में भयानक रस रूप को दर्शाई से कहते भयानक भय स्थायी भाव भूताधि देवत भय यही रसर स्थायी भाव रूपे विदित जो दृश्य दर्शन में श्रवण में भय संचार हुए ताकि भयानक रसर आलम्बन विभाव स्वेद बीवनता कातरता थरवा भयर और रोमांच आदि रसर हूँ वर्ण भाव ग्रहण कर भूत होती अधिदेवता ये से मेनसन है भूत होता अधिदेवता स्वेद बर्णनाता कातरता और रोमांच आदि रसर वर्ण भाव ग्रहण कराए सादेश महाभारत वर्णित बेणी संहार और रक्त नदी संतरण दुर्जन पढ़ाई तो प्रसंग में भयानक रसर पर्याप्त वर्णना रही। नेक्स्ट देखा विभत्स जहाँ को देखिए घृणा आसे विभत्स रस बोली कहुए जो दृश्य को देखा मात्रे घृणा तथा विकार आसे से दृश्य को आलम्बन तार आधार होची विभत्स रसर उन्मेष घटता है। घृणा भाव होची विभत्स रसर आलम्बन विभाव विश्वनाथ कबीरज विभत्स रसर स्वरूप निर्धारण करी ताहाकु साहित्य दर्पण में कही जुगुप्सा स्थायी भावस्तु विभत्स कथित रस नीतिवर्ण महाकाल देवत मुदाहौत अर्थात जुगुप्सा विभत्स स्थायी भाव घृणा दुर्गंधयुक्त मेद मांसदी अर्थात जहाँ को देखिए आमको घृणा लगे जमी दुर्गंध हो कि मेद हो मांस दीजिए आलम्बन विभाव जहाँकि सृष्टि करे आम मन में घृणा यार उद्दीपन विभाव हो कृमि कीट मुख विस्फोरित करने आखि बुझा यार अनुभव आवेग अपरिष्कार मोह मृत्यु आदि रोग हूँ विभत्सर व्यभिचारी भाव यही रस नीलवर्णयुक्त महाकाल होती यार अधिदेवता सचिनानंद राउतरायक ग्राम्य श्मशान जहाँकि पे समेत पढ़ी ग्राम्य श्मशान हूँ यही रसर एक उदाहरण ए गोटे पंक्ति दिगला कौन दिकी दिकी जले जुई धूआ मोड़ी मोड़ी कोचिला पाचिला सिरे बांधई जटा शिवा शगुणर रब थरा हूँ पिचा शब से शब दे पूरी उठे टांगर नटा ग्राम्य श्मशान रु आसी जहाँकि आम वीर विभत्स रस लिखाई देखा अद्भुत रस जहाँ को देखने आम कौन जाऊ आश्चर्य हो जाऊपरी अनेक घटना अच्छी जहाँ को देखा कि शुणा मात्रे विस्मयभूत हो पड़े आम जहाँ को आम कहुए अद्भुत रस यही अवस्थारु अद्भुत रसर सृष्टि साहित्य दर्पण आलंकारिक विश्वनाथ कबीरज अद्भुत रसर संपर्क में लिखिंट अद्भुत विस्मय स्थायी भाव गंधर्व देवता हा अद्भुत रसर स्थायी भाव रूपे ग्रहण करस्मय को लौकिक वस्तु को यही रसर आलम्बन विभाव मिछ माया जादू विद्या यही रसर उद्दीपन विभाव विस्मय स्तंभ स्वोदय रोमांच आदि को अनुभव रूपे ग्रहण करतर्क आवेग भांति हर्ष व्यभिचार भाव बोली अभिहित कराए यार अधिदेवता हूँ गंधर्व गण पीत वस्त्र यार हूँ वर्ण नेक्स्ट देखा शांत रस शांत रस तो हम जानपे जो व्यक्ति शांति स्वभाव उत्तम भाव संपन्न से व्यक्ति ठीक शांत रस उदय घटी थाए सांसारिक क्षणिकता तथा मायाजगत संपर्क ज्ञानोदय शांति सत्यर उपलब्धि ईश्वर चिंता आदि घटा द्वारा शांत रसर उन्मेष घटे सब शांत रहती वैराग समय हूँ शांत रसर स्थायी भाव विश्वनाथ कबीरज साहित्य दर्पण में विश्वनाथ कबीरज साहित्य दर्पण में कही शांत श्रम स्थायी भाव उत्तम प्रकृत कर्मध केन्द्रदु सुंदर छाया श्री नारायण देवता नारायण हूँ यार अधिदेवता यही रसर आलम्बन विभाव हूँ आत्मा परमात्मा सम्बन्धीय सज्ञान सत्संग तीर्थटन प्रभृति यार उद्दीपन विभाव भाव गृहित निर्वेद हस्व स्मरण आदि व्यभिचारीगण यार अनुभव होउची रोमांच अश्रुमोचन कुंदपुष्प निर्मल इंदुतुल्य रंग शुभ्र यार अधिदेवता होउचन नारायण भक्त कवि मधुसूदन रायक आत्मान निद्रा परिहर रे शांत रस प्रतिफलित होइची। नेक्स्ट देखिए बात्सल्य रस बात्सल्य रस को यदि आम गणवा तो आम नवरस हो दस प्रकार तुम बात्सल्य रस से दि जाइए जहाँकि माँ मान निकट में परिलक्षित हुए पाई तो बात्सल्य रस को आम यदि गणवा तो दस प्रकार कितना नौ प्रकार कहुई पे बात्सल्य रस भी लिखे परीक्षा नवरस पर बात्सल्य रस को दशम रस रूपे ग्रहण कराए पितामाता ठारे प्रकाशित शिशु मान प्रति बात्सल्य ममता को बात्सल्य रस रूपे ग्रहण कर
ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ସ୍ନେହ। ଏହି ରସର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ଫୁଟଂ ଚମତ୍କାରିତା ହ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବିଦୁଂ। ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନା ବିବାହ। ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଦି ରସର ଅନୁଭବ ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା କରିବା ହର୍ଷ ତଥା ଗର୍ବ ଆଦିକୁ ରସର ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅଙ୍ଗ ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପଦ୍ମର କେଶର ରଙ୍ଗ ପରି। ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃଗୁଣ ଏହି ରସର ଅଧିଦେବତା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହି ରୂପେ ରସର ବିବାହୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ରସକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ସହିତ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସକଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟର ରସ ମହତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାବ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ଆମ ମନରେ କିଛି ଯଦି ରସ ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଏ ତାହା ବିଫଳ। କୌଣସି କାବ୍ୟ କବିତା ପଢ଼ି ଆମେ ହସିବା କାନ୍ଦିବା କି ରାଗିବା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ରସ ଉଦ୍ରେକ କରେ। ତ ସିଏ ହାସ୍ୟରସ ହେଉ ରୌଦ୍ରରସ ହେଉ କରୁଣରସ ହେଉ ତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହେଉ ରସର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବି ଦେଖିକି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ ହସୁଛେ ତା ମଧ୍ୟ ଆମଠାରେ ହାସ୍ୟରସ କରୁଣରସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଏହି ରସମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଜୀବନରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଧ୍ୱନିର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନିହାତି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।